आज बतारीख 6 मार्च को बीआरएस पार्टी के एक वफ्द ने जीएचएमसी हेड ऑफिस के रूबरू बड़े पैमाने पर धरना मुनज़िम किया। तमाम एहतजाजी लीडरान ने मुतालबा किया कि जब तक एलआरएस मंसूख नहीं किया जाता, जब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। रियासती हुकूमत, जो कि 25 लाख खानदानों पर माली बोझ डालने की साजिश रच रही है, गरीबों पर 20,000 करोड़ रुपये का माली बोझ पड़ जाएगा। कांग्रेस गरीबों को लूटने की साजिश कर रही है। एलआरएस को ख़त्म करने तक कांग्रेस पार्टी का पीछा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस धरने में बीआरएस के एमएलए मागंटी गोपीनाथ, अंबरपेट एमएलए कालेरू वेंकटेश, मोटा गोपाल एमएलसी मधुसूदनचारी और दिगर सारे कायदीन ने भी इस मौके पर शिरकत की। पेश है इस धरने के चंद मनाजिर डीटीवी 9 के साथ। कांग्रेस डाउन डाउन 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 कांग